पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद तो पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा इसे लेकर इस वक्त गर्म नजर आता है, हाई नजर आता है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिहार में राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है। दरअसल 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इसमें किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने जीत तक हासिल की। बाकी 8 सीटों में 5 पर फिलहाल जदयू का कब्जा है। ऐसे में यह तय है कि कांग्रेस को सीटों के लिहाज से नुकसान उठाना पड़ेगा और इंडी गठबंधन में कांग्रेस के अलावा भाकपा माले ने भी अपनी दावेदारी ठोक रखी है। दिल्ली में हुई बैठक की बात कर लें तो इस बैठक में आरजेडी के सांसद मनोज झा के सामने कांग्रेस ने 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन आरजेडी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अंतिम तौर पर कांग्रेस को आरजेडी 4 सीटें देने पर राजी दिख रहा है और सूत्र ये कहते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कांग्रेस अपनी सीटिंग सीट किशनगंज से चुनाव लड़ेगी, औरंगाबाद और कटिहार से वो चुनाव लड़ेगी। सासाराम सीट को लेकर खींचतान हालांकि अभी जारी है। समस्तीपुर सीट को लेकर आरजेडी ने हालांकि सहमति जरूर दी है। भाकपा माले का आरा के अलावा एक और सीट पर चुनाव तय मारा जा रहा है। कांग्रेस 5वीं सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भूमिहार बहुल नवादा सीट पर कांग्रेस की नजर है। जब जेडीयू के साथ कांग्रेस की होने वाली बैठक पर अब जाकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो ये देखना होगा कि जब सीटों की बारी आएगी वो सीट कौन सी होगी, उस पर कैंडिडेट किस पार्टी के होंगे, वहां पर कितनी सहमति बन पाती है। बीच जो बैठक हुई है और उन्होंने जो अपना मंतव्य दिया है कांग्रेस की गठबंधन कमेटी को, तो उस गठबंधन कमेटी ने अब सहयोगी दलों के नेताओं से विचार विमर्श आरंभ किया है। तो कांग्रेस का पर्पस है कि हमारा गठबंधन बढ़िया से हो जाए, हम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जरूर हमारी उम्मीदवारी रहे और हम सिर्फ अपने लिए नहीं गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए ही काम करेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना है। ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक दूसरे साथ मिल बैठ करके सीटों पर बात कर रहे हैं और हम 1-to-1 के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे। स्पष्ट रूप से हमारा मानना है, इंडिया गठबंधन की सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को नहीं आने देना है जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो टीम बनाई है कांग्रेस ने, उसमें बैठकर बातचीत हुई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई है, यह भी फीडबैक मिला है। हाँ, लेकिन जो कांग्रेस का जो डिमांड है 9-5, तो वो उस पर जो 4 पे जो उन लोगों ने रोक दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस असहज पा रही है बिहार में, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस यहीं से बना, महागठबंधन यहीं से बना और कांग्रेस शुरू से इसके साथ में रही है। टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है कांग्रेस जो है सो आरजेडी का, तो ऐसे में निश्चित रूप से आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो जेडीयू एमएलसी नीरज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। नीरज सिंह ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि सीतामढ़ी लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर होंगे। नीरज कुमार ने यहां तक कहा कि अगर महागठबंधन के नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो ये पूर्णतः गलत है। जो बयानबाजी की जा रही है वो सीएम के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी यानी कि महागठबंधन के नेता जनता दल यू के शर्मा नेता ने जब घोषणा कर दिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में, तो फिर इफ और बट का कहाँ सवाल उठता है। इससे बड़ा भी हमारे दल में कोई नेता नहीं है। सबसे शर्मान नेता ने जब घोषणा कर दिया तो लोगों को समझना चाहिए, दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। क्या है माना जाए जो सभापति ही उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही घोषणा कर दिया, इसमें ही पर बट का कहाँ सवाल उठता है। अच्छे उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी के लिए,